सीसीटीवी फुटेज से रीवा इतवारी में दो महिलाओं से हुई चोरी का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इसे बालाघाट से गिरफ्तार किया गया है। बेरोजगारी और शौक ने युवक को ट्रेनों में चोरी करना सिखा दिया। आपको बता दें कि इसका नाम दीपक है और ये मात्र 21 साल का है। ट्रेनों में यात्रियों के सामानों की चोरी करता था और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोदिया जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। मामला बालाघाट के अंतर्गत होने के कारण कार्रवाई वहीं हुई। इसके चलते गोदिया जीआरपी और आरपीएफ ने इसे बालाघाट जीआरपी के हवाले कर दिया। 1 अगस्त को रेलवे डीएसपी लोकेश मार्को ने बालाघाट पहुंचकर युवक से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि आरोपी युवक ने 13 अप्रैल 2023 को रीवा इतवारी ट्रेन में दो महिलाओं से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। युवक ने बड़े ही शातिराना तरीके से घटना को अंजाम दिया था, जो कि बरौनी ट्रेन से गोदिया आई थी। वो बरौनी ट्रेन से गोदिया आया था। इस बीच ट्रेन से उतरकर आउटर में खड़ी रीवा इतवारी एक्सप्रेस में प्रवेश कर गया। रीवा से चेन्नई जा रही महिला नीलम दहिया के जेवरात रखे बैग और सतना से नागपुर जा रही महिला वैशाली शेंडे का मोबाइल चोरी कर लिया और फरार हो गया। घटना के बाद युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे घटना का खुलासा होने में सफलता मिली है। पकड़े हैं जो ट्रेनों में चोरी किया करते थे, क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये 19/4/2023 को रीवा इतवारी ट्रेन में महिलाएं जो सोई हुई थी, उन महिलाओं का एक महिला का बैग तथा जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे तथा एक महिला का मोबाइल रात में जो है चोरी कर भाग गया था, जिसकी सूचना पर नागपुर में तथा चेन्नई में अपराध पंजीबद्ध हुआ और दोनों डायरियां हमारे बालाघाट चौकी में आए। विवेचना के दौरान गोंदिया में आरपीएफ स्टाफ और जीआरपी स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई से इसके वीडियो फुटेज के आधार पर इसको पकड़ा गया था। इससे पूछा गया तो दोनों मामलों में हमने जो है डिडक्शन किया है, एक मामले में मोबाइल है और दूसरे मामले में सोने चांदी के जेवरात हैं तथा मोबाइल। अभी वर्तमान में और भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें आरोपी अपना जो है बिलासपुर में भी ये चोरी की घटना कारित किया है और गोंदिया में भी चोरी की घटना कारित किया है और अभी दो मामले में और अरेस्ट हो रहे हैं। आज जो है आरोपी की गिरफ्तार करके निगरानी शुदा नहीं है, लेकिन अब निगरानी फाइल खोली जाएगी, इसका 110 की कार्रवाई की जाएगी। इसका आरोपी दीपक सयान है, ये गोरेगांव थाना अपना गोंदिया का निवासी है और 2020 से लगातार घटना कारित कर रहा है। एक महिला सतना से नागपुर जा रही थी, उसका नाम है वैशाली शेंडे और दूसरी महिला नीलम दाहिया, ये रीवा से चेन्नई जा रही थी। ये घटना कहाँ पे कारित किया? ये अपना आउटर स्टेशन है, अपना बालाघाट में आउटर जो है वहाँ पे ये बरौनी ट्रेन से रायपुर तरफ से बरौनी ट्रेन से आ रहा था, सो गया था और जब नींद खुली आउटर में बालाघाट के पास तो उसी समय जो है रीवा इतवारी ट्रेन आ रही थी, वो भी वहीं रुका हुआ था। ये जो बदमाश है ये बरौनी ट्रेन से रीवा इतवारी ट्रेन में जाके घटना कारित की। सर, चोरी करने के पीछे कुछ वजह बताएं, किस वजह से चोरी करता था, अपना शौक के लिए, नशे के लिए, कुछ रीजन रहता है सर चोरी करने का, कुछ बताया है इसमें? ये इसके पास जो है घर में किसी प्रकार की जमीन नहीं है, बेरोजगार है और अपना जो है शौक बस जो है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए।